सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत 67वें संत समागम के अवसर पर आप सभी लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। देश के हर प्रांत की नुमाइंदगी और विश्व के अनेकों मुल्कों की नुमाइंदगी यहाँ पर आप कर रहे हैं। अनेकता में एकता का सुंदर स्वरूप जहाँ पर आप सभी मिल बैठकर मानवता इंसानियत को मजबूती देने के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, शुभकामनाएं भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पैगाम जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों का युगों युगों से रहा है, जो इसी मानवता इंसानियत को स्थापित करने में जिन्होंने अपने जीवन लगाए, तो इस भाव से युक्त होकर आप सभी यहाँ पर इस समागम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। मिशन जो योगदान दे रहा है समाज को, मानवता को, देश को, इसकी आपने आज भी यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट देखी, एक सराहना जो अनेकों पहलुओं से या अनेकों तरफ से हो रही है, जो ग्लोबल जो गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा जो अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर जो उन्होंने दास को सम्मान दिया, यानी कि मिशन को सम्मान दिया, उन उसूलों को सम्मान दिया जो मानवता इंसानियत लव कंपैशन टॉलरेंस के ऊपर आधारित है, तो वो भी आपने देखा। उन्होंने महसूस किया कि वाकई ही मिशन ये योगदान दे रहा है समाज को, मानवता को, देश को मजबूत करने के लिए। और महात्मा गांधी जी के जो नॉन वायलेंस वाले उसूल हैं, जो टॉलरेंस जिसका जिक्र हुआ, जो कल ही 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस उसको एक मनाया जाएगा, तो महात्मा गांधी जी ने भी इसी सहन शक्ति का, टॉलरेंस का एक प्रमाण दिया और शिक्षाएं दी, तो वो भी एक रूप आपने देखा। और अभी आपने जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज से डॉक्टर्स की टीम्स आई हुई हैं, यू आर ऑल सीइंग अ बिग टीम ऑफ डॉक्टर्स हु हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम फार ऑफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, दिस इंटरनेशनल इवेंट विच इज़ बीइंग अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट 1 million डेडिकेटेड पीपल हु आर फुल ऑफ डिवोशन एंड हु आर ऑलवेज वर्किंग टू स्ट्रेंथन these lofty principles which saints and sages have given to mankind to follow it. So I appreciate this, their gesture, the noble task which they are doing, healing people, and the organization for Evergreen, they have also donated thousands of dollars to help people who are suffering from various ailments. So I thank them from the mission and from myself. It is indeed a gesture which cannot be praised, which is beyond words. And the gesture the doctors are showing since last year, last November, when the Samagam was held here, and then Maharashtra Sant Samagam was held in Mumbai in third week of January, then too we had a big team of doctors traveling from far off, from America, Europe, Canada, and this time there are also doctors from Australia and various other countries and even from India
apart from chiropractors, other doctors are also serving mankind here in these grounds. So once again, I thank them and I have all the praise for them and pray to Nankar God Almighty to give them more strength. And also I prayed for all those who have involved themselves in this noble task. To Sadh Sangat, yahan par aap sabhi jo upasthit hue hain, un usoolon ke liye, jo usool insaan aksar uske zikr to karte hain, lekin usko apnaya kam jata hai. Lekin baat banti hai jab usko apna liya jaye. Zikr to arse se ho rahe hain, lekin jab usko dhal liya jata hai apne zehen dilo dimag aur apne jeevan apne aacharan mein apne vyavhar mein tabhi vastavikta mein ye baat banti hai. Aur yahan par santo mahatmaon ke unhi shikshaon ko yaad kiya ja raha hai jo vastavikta mein isi ke upar aadharit hain, jo harmony in oneness jo is समागम को थीम दी गई है, जहाँ पर एकत्व, एकत्व में सद्भावना, यानी कि एक वननेस, एकत्व का भाव, डिफ्रेंसिएशंस, बैरियर्स, दूरियाँ, इसकी बजाय एकत्व का भाव, क्योंकि मालिक खालिक एक है, परमात्मा एक है, दिस गॉड ऑलमाइटी इज़ वन. So if we are one with this one, only then we can have the feeling of oneness amongst ourselves, united, having love and compassion for others, bound in this thread of love. तो ये oneness, harmony, किसी शब्द का भी इस्तेमाल कर लें, यही तो संतों महात्माओं ने ये इंसानों से उम्मीद की और इंसानों से चाहा था. लेकिन आज जब हम हालात देखते हैं चारों ओर, वहाँ पर हमें इससे विपरीत दृश्य देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इंसान इंसान का बैरी बना हुआ है, जाति मज़हब भाषाओं प्रांतों और अनेकों हदों सरहदों की दुहाई देकर इंसान इंसान का नुकसान कर रहा है, मानव जाति का नुकसान कर रहा है और इस धरती को पुलित कर रहा है, इस धरती को एक नरक का रूप दे रहा है. लेकिन वो भी हैं जो इस धरती के बचाव के लिए अपने योगदान दे रहे हैं, जो मानवीय गुणों से युक्त हैं, मानवीय मूल्यों में यकीन रखते हैं, जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों का केवल नाम नहीं लेते, केवल उनकी जय जयकार ही नहीं बुलाते, केवल गुरु पीर पैगंबरों के द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों के आगे केवल सजदे नहीं करते, जो वाकई ही इस मानवता की डगर पर चल रहे हैं, जो पीड़ा रखते हैं अपने दिल में दूसरों के लिए, जो दूसरों की पीड़ा हरने के लिए अपने योगदान देते हैं, जो खुद भी जुड़ते हैं औरों को भी जोड़ते हैं, इस तरह के भी एक महक वाले इस धरती पर मौजूद हैं और ज़रूरत उन्हीं की है. उन्हीं की बहुतात हो जाए, उन्हीं में इजाफा हो जाए, ताकि ये धरती वाकई ही स्वर्ग बन जाए, जन्नत बन जाए. मार काट, तशद्दुद और ज़ुल्म सितम, हिंसा, इससे कब स्वर्ग बने हैं, इससे कब जन्नत बनी है? ये बिल्कुल ही विपरीत सी बात है, पैराडॉक्सिकल है कि एक तरफ जन्नत और स्वर्ग की बात करें और दूसरी तरफ हिंसा और केवल हिंसा. हमारे जहन में हिंसा, हमारी वाणी में हिंसा, वॉयलेंस इन आर थॉट्स, वॉयलेंस इन आर स्पीच, इन आर वर्ड्स, सो मच वॉयलेंस वी आर सीइंग ऑल अराउंड, so much intolerance.
that we cannot tolerate a single word spoken by somebody else. We cannot tolerate others' way of dressing, and we cannot tolerate culture of others, etc. So there is so much intolerance. We are seeing so much road rages. Just cannot tolerate if somebody doesn't give way to my vehicle, my car, I get out of the car and just shoot him. That's the tolerance level we have now. इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है। ये हम खबरों में देखते पढ़ते सुनते हैं। और कहाँ पर ये लॉफ्टी प्रिंसिपल्स, टॉलरेंस वाले, कंपैशन वाले, दूसरों की पहले सोच रखनी, अपने से ज़्यादा दूसरों को प्राथमिकता देनी, ये इतने ऊंचे प्रिंसिपल्स हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ वो आज जब हम समाज में, संसार में, देश में देखते हैं, वो कुछ और ही दर्शाती हैं। तो उनकी सराहना जो वाकई ही एक सही दिशा प्रदान करते हैं, वो एक सराहनीय हैं, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, जो हमेशा ही जतन करते हैं कि देश का भी भला हो, देश भी आगे बढ़े और विश्व में भी चारों तरफ अमन अमान हो। लास्ट संडे ओनली 25 इयर्स ऑफ द पुलिंग डाउन ऑफ बर्लिन वॉल वॉज सेलिब्रेटेड एंड दिस ईयर ऑल्सो 100 इयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। सो वॉट एवर हैड बीन harmful for mankind, we have to overcome, and those who took steps to overcome it in whatever way, they are for all praise. तो उनके लिए हमेशा ही सराहना है और हमने भी यही जतन और प्रयास करने हैं कि किस तरह से हम मिलजुल कर रहे हैं। ये ज़िंदगी हमें मालिक ने बख्शी है, ये जिस्मानी ज़िंदगी हमेशा चलने वाली नहीं है, ये एक पड़ाव है हमारा जीवन, और इस पड़ाव की म्याद कितनी है किसी को मालूम नहीं है। अगले पल की खबर नहीं, अगले क्षण का कुछ पता नहीं है। इसलिए जो सीमित सी यात्रा, सीमित सा समय हमें मिला है, दिस शॉर्ट लाइफ स्पैन वी हैव, तो इसमें हमने उस प्रकार से अपने आप को निभाना है, अपने आप को उस रूप में ढालना है कि हम भी एक आनंद लें, सुकून लें, हम भी मानवता का रुतबा बुलंद करें और हम चारों तरफ भी इन्हीं पहलुओं को मजबूत करने में अपने योगदान दें। मंगलयान हिंदुस्तान की कितनी बड़ी उपलब्धि, साइंसदानों को मुबारकबाद दी गई, देश के प्रधानमंत्री जी ने दी, चारों तरफ विश्व के अनेकों मुल्कों ने सराहा, और वो हमारी एक उपलब्धि, पहले भी कई उपलब्धियां डिफरेंट फील्ड्स में हुई हैं। तो दास इसी मंगलयान के शब्द को जब बार बार सुना तो जहन में बात आई के यान कहते हैं व्हीकल को, मंगल और यान, सो हम भी सारे यान बन जाएं मंगल स्थापित करने के लिए, अपने जीवन में मंगल आने के लिए। लेट्स ऑल बिकम व्हीकल्स, यान बन जाएं हम मंगलमय वातावरण स्थापित करने के लिए, हर एक के जीवन में मंगल लाने के लिए। लेट्स बिकम व्हीकल्स, सारे ही हम वो साधन बन जाएं, हम वो जरिया बन जाएं, ताकि वास्तविकता में ये धरती में हम राहत की सांस ले सकें, एक दूसरे के हितकारी बने, हितैषी बने, एक दूसरे के दुख सुख को बांटें, और इस प्रकार से ये जहान सजा रहे, संवारते चले जाएं,
ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। तो ये बात फिर मुड़कर वही आएगी कि ये बातों से बात बनने वाली नहीं है, ये करने से होगी, और एक का काम नहीं है, ये मिलजुल कर होगा। जैसे वो कहावत है, यू कैनॉट विसल ए सिम्फनी, इट टेक्स ए होल ऑर्केस्ट्रा टू प्ले इट। एक अकेला नहीं कर सकता है, एक सिम्फनी के लिए यू नीड द होल ऑर्केस्ट्रा, नॉट अ सिंगल पर्सन जस्ट विसलिंग, दैट वॉन्ट मेक अ सिम्फनी। सो वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर, हम सब ने मिलजुल कर इस कार्य को करना है। एक मानवता, इंसानियत को मजबूत करना है। प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, लव इज अ कमोडिटी विच इज बिकमिंग सो रेयर नाउ, इसकी कमी को हमने पूरा करना है। हमने केवल और प्यार के ही रिश्ते बनाने हैं, नफ़रतों वाले रिश्ते बहुत हो चुके, हमने अब प्यार वाले रिश्ते ही बनाने हैं। प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मोल, दोनों पलड़े प्रेम रख, प्रेम प्रेम से तोल। कि एक प्रेम ही हम एक दूसरे को बांटें, प्यार ही बांटें। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो लविंग आवर नेबर्स, लव thy नेबर एज was सेड इन बाइबल, ऑल द saints एंड prophets एंड sages, दे taught us टू लव each other। इसी प्रकार से ये प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर जी ने कहा और अन्य संतों महात्माओं ने कहा, और मिशन का भी ये नारा कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। वीरानगी नफ़रत के कारण है, सजना सवरना प्यार के कारण है। तो इसलिए ये हामनी, ये एक एकत्व, ये वननेस, ये एकता, ये एकत्व, ये सद्भावना, ये वास्तविकता में एक ऐसा ख्वाब जिसको हमने हकीकत करना है, और हकीकत हो भी रहा है। जहाँ जहाँ पर ऐसा विवेक कार्य कर रहा है, जहाँ पर ऐसी एनलाइटनमेंट काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी अवेयरनेस काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी जागृति काम कर रही है, जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों को टीचिंग्स को अपना लिया गया है, वाकई वहाँ पर ये स्वप्न हकीकत होते भी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। के इस गगन में गूंजे, पवन में महके, हर एक मन में हो सद्भावना। तो यही एक सद्भावना, हम इसको मजबूत करते चले जाएं, यही एक प्रार्थना अरदास है। ये अनेकता रहेगी, ये डाइवर्सिटी रहेगी, और ये खूबसूरती है। दास अरसे से यही बात करता आ रहा है कि ये डाइवर्सिटी एक खूबसूरती है, लेकिन हमारी असहनशीलता और हमारी घृणा और नफ़रत ने इसी खूबसूरती को अभिशाप बना दिया है, एक कर्स बना दिया है। ये अपने आप में कितनी खूबसूरती है, अनेकता, अनेकों भाषाएं। जैसे आज भी यहाँ पर इस समागम पर अनेकों भाषाओं वाले उपस्थित हैं, हर प्रांत वाले उपस्थित हैं, ये अनेकता है। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों हम रूप देखते हैं अनेकता के। तो ये खूबसूरती है, ये कायनात जो हम देखते हैं, यूनिवर्स हम देखते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, तो एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं हैं, यही एक खूबसूरती है। चांद का रूप सूर्य जैसा नहीं है, सूर्य का आकार जुपिटर जैसा नहीं है। ऑल प्लैनेट्स आर डिफरेंट, नन इज़ अलाइक।
This is the beauty of creation, which is of God Almighty. We have mountains, we have deserts, we have oceans, we have rivers, we have streams. We have greenery, we have flowers. So there is so much diversity in this creation itself, and that what we see in mankind too. So it is a blessing, and we have not to make it a curse. तो इस अनेकता को हमने इस कदर इसको उस दृष्टि से देखना है कि वाकई ये ब्लेसिंग है. यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकती है. जो अक्सर हथियारों और तलवारों और हिंसा का जुल्म सितम का सहारा लेकर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है. तो इस एकता को मजबूत करने के लिए इस प्रकार से अनेकता जो है इसकी वो कदर करते हुए एक ऐसी टेपेस्ट्री, एक ऐसी मोज़ेक जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिमी कार्टर वन सेड, वी हैव बिकम नॉट ए मेल्टिंग पॉट बट ए ब्यूटिफुल मोज़ेक. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट यर्निंग्स, डिफरेंट होप्स, डिफरेंट बिलीव्स. सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल मोज़ेक, नॉट ए मेल्टिंग पॉट. तो ये मोज़ेक टेपेस्ट्री कितने खूबसूरत रंग, वी हैव टू एक्नॉलेज दैट. और इस प्रकार से ब्यूटिफाई करना इस धरती को, यही हमारा ये कर्तव्य बनता है और यही हमने इसका पालन करना है निष्ठा के साथ, लगन के साथ. तो अवसा संगत, यही एक शुभकामना अरदास प्रार्थना दास करता है. और आप भी सभी इसी भाव से युक्त होकर दूर दराज इलाकों से यहाँ चल कर आए हैं इस समागम की शोभा बनाने के लिए भी, और इस प्रोपकार को मैं अपना योगदान देने के लिए भी, जिसकी ज़रूरत है, इस रोशनी की ज़रूरत है, इस प्यार भाईचारे मानवता की ज़रूरत है. इसी में अपने योगदान दे रहे हैं आप, और इसको और इस फैलाव देने के लिए आप दूर दराज इलाकों से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं, इस समागम की शोभा बना रहे हैं. तो दोपहर से ही इस पंडाल में सत्संग का कार्य चल रहा है और इन मैदानों में महीने भर से निष्ठा के साथ सेवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ये सुंदर रूप बना है. और इसको चार चांद लगाने के लिए आपकी भावनाएं शुद्ध और सुंदर, भक्ति मानवता के ऊपर आधारित, वो इसको सजाया है, संवारा है, और चारों तरफ ऐसी महक ये फैला रहे हैं. इसी कारण आप सभी यहाँ पर चल कर आए हैं. अभी दो तीन रोज़ और ऐसा ही सुंदर वातावरण बना रहे, सभी एक एक पल का आनंद ले हैं, यही एक अरदास, यही शुभकामना है. और ये समागम 67वां सन समागम, और सभी के जहन दिलो दिमाग में वो आकृति बसी हुई है राजमाता जी की, जिन्होंने कितने तप त्याग किए. और पहले 66 सन समागम तमाम के तमाम उन्होंने उसमें शिरकत की, उसमें हिस्सा लिया, और फिर इस मंच पे आसीन रहे 50 बरस से ऊपर. तो उनकी शिक्षाएं, उनकी देन नारी जाति को ही नहीं, केवल मानव जाति को जो उनकी देन रही है, वो अल्फाज, वो लफ्ज़ उसका बयान नहीं कर सकते जो उन्होंने देन दी है. और बच्चे बच्चे की ज़ुबान ही नहीं, जवान बुज़ुर्गों की केवल ज़ुबान ही नहीं, पूरी तरह से
उनके मन में ये बात भरी हुई है कि वाकई ही ऐसी देन ये भुलाने से कभी भूल नहीं सकती है और ये हमेशा ही हमने इसको अपनाना है और उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे वो खुद चले, जिस रास्ते पे हमें चलाया, किस तरह से शरीर और उम्र से ऊपर उठकर स्थान स्थान पे अरसे से जा जाकर ये सत्य का पैगाम दिया बाबा अवतार सिंह जी के साथ, बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ और 1980 के साथ दास को उनकी आशीर्वाद ये मिलती रही और हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा का कारण बने हैं। एक गुरसिक्खी की चरम सीमा, एक भक्ति की चरम सीमा, जहाँ पर केवल समर्पण, केवल विनम्रता, केवल निमरता, इस भाव से युक्त होकर उन्होंने एक ऐसा सुंदर रूप अपना पेश किया सबके सामने जो उनकी रग रग में बसा हुआ था और वही सबके सामने आया। तो यही एक अरदास प्रार्थना कि उनकी आशीषें, उनकी शिक्षाएं ये हमेशा ही हम अपनाए रखें, उसी रास्ते पे चलते चले जाएं, गुरमत के अनुसार चलते चले जाएं, गुरसिक्खी के रास्ते पे चलते चले जाएं। तो और शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा क्योंकि समय बहुत ही आगे निकल चुका है। करीब 3 बजे से इस पंडाल में सत्संग चल रहा है और दास भी करीब 5 बजे से थोड़ा सा ऊपर तब से यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी की ऐसी लगन और निष्ठा है जो इस तन्मयता के साथ आप यहाँ पर विराजमान हैं, और भी अनेकों सज्जन देश की सेवा में जो लगातार भिन्न भिन्न रूपों में लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न रूपों में योगदान दे रहे हैं, समाज की सेवा जो भिन्न भिन्न रूपों में कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पर आज दर्शन हुए जिनका सहयोग मिशन को मिल रहा है और इसी तरह से मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।